नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी आलू और हरे प्याज की चटपटी सब्जी कैसे बनाते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं बढ़िया सी सब्जी। मसालों में मैंने लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 6 से 7 हरी मिर्च। और इस सब्जी को अच्छा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 चम्मच पीला सरसों, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच पोस्तो। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ पानी डाल के पीस दूंगी। और ये देखिए, मैंने इसको पीस करके इस तरह से मसाला तैयार करके रख लिया है। और अब मैं इसी समय कुछ सूखे मसाले ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने लिया है गोल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच सब्जी भाजी मसाला। सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और एक बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका घोल बनाना है और बढ़िया सा घोल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी इसी समय इसमें डाल सकते हैं। तड़के में मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता के पत्ता और इसको डाल करके थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। 1 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और उसको इसी समय डाल देंगे और डाल करके ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये सब्जी बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। प्याज को ब्राउन कर लिया है, अब इसमें इसी समय डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक और डाल करके इसको इस तरह से मिला देंगे। जो आलू मैंने काट करके रखा था उसको भी डाल करके इसको थोड़ी देर भून लूंगी इस तरह से चलाते हुए। दो बड़े टमाटर को बारीक काट करके इसमें डाल दिया है और आलू के साथ इसको भी भून देंगे। आलू और टमाटर को थोड़ी देर इस तरह से चला करके और ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और ये देखिए, आलू के साथ टमाटर भी अच्छी तरह से गल गया है। और इसी समय मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरी प्याज। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम हरा प्याज को बारीक काट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने छोटे टुकड़े मैंने काट करके रखा है। और इसको ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे। आलू और प्याज थोड़ा पक के तैयार हो गया है। जो मसाले मैंने पीस करके रखे थे उसको भी इसी समय डाल करके इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। मैंने यहाँ पर इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी पहले से ही है। और 7 मिनट के बाद ये देखिए, सब्जी हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। आलू भी अच्छी तरह से इसमें का पक गया है और सब्जी बनके तैयार है। गर्मा गर्म सब्जी को आप रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको कटोरे में यहाँ पर निकाल लिया है और ये देखिए, सब्जी देखने में कितना बढ़िया लग रही है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपका आलू और प्याज का सब्जी कैसे बन के तैयार हुआ। दोस्तों, ये सीजनल सब्जी है और ये प्याज डाल करके बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर इसको बनाएं। मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।